बहादुरगढ़ में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर वारदात हुई है। एक युवक चेन खरीदने के बहाने दुकान पर आया और गले में चेन पहनकर भाग गया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन दुकान के बाहर स्टार्ट खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर आरोपी फरार हो गया। घटना मेन बाजार स्थित रत्न ज्वेलर्स की है। कल दोपहर को शॉप पे बैठा था जब मैं, तो फिर एक लड़का चोरी की नीयत से आया। पहले तो वो सामने वाली शॉप पे सामान देखने लग रहा था, उसके बाद फिर वहाँ पे जब उसकी बात नहीं बनी तो फिर वो हमारे वाले पे आया कि उधर सामने सामान पसंद नहीं आया, तो सोने की चैन मांगने लगा वो। फिर उसको जैसे चैन नहीं दिखाई, फिर मेरे पास और भी कस्टमर थे, तो उनमें भी जैसे ध्यान हुआ मेरा कस्टमर में, तो चैन ने पहन के देखने लगा, तो एक चैन पहन के वो फ़ोटो खींचने लगा कि भाई साहब ये पसंद आई और कुछ, तो वो बैठा रहा पास में। फिर जैसे मेरा ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ हुआ, वो चैन पहन के दुकान पे से कूद गया एकदम से, फिर उस अपनी बाइक पे भाग गया। उसकी बाइक पहले ही स्टार्ट खड़ी थी बाहर इतने, फिर उसके पीछे हम भागे, शोर मचाया इतने, वो शिव चौक की तरफ नजफगढ़ रोड की तरफ अपनी बाइक लेके भाग गया। अकेला था जी? अकेला। कोई बाइक का नंबर? बाइक के पीछे नंबर प्लेट नहीं थी जी। आपने फिर शिकायत की? शिकायत मैंने उसी टाइम 112 पे कॉल करके PCR को बुला लिया था, फिर थाने में रिपोर्ट भी कर दी थी, FIR भी कटवा दी। तो क्या कुछ कार्रवाई चल रही, कुछ पता है? कार्रवाई तो देखो क्या करते हैं, पहले भी हमारी शॉप पे चोरी हुई है, दूसरी पे मेन रोड पे, जब भी 40-50 लाख का नुकसान हुआ था। SB साहब भी आए थे और भी महकमा इकट्ठा हुआ था, लेकिन वे चोर भी अब तक नहीं पकड़े गए। दरअसल बहादुरगढ़ शहर के मेन बाजार, रेलवे रोड और दिल्ली रोड पर कई ज्वेलरी शॉप हैं। पहले जब वारदात हुई तो पुलिस PCR बतौर सुरक्षा लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब पुलिस PCR कभी कभार ही कहीं नजर आती है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।